हुआ, आज सारी की सारी प्रकृति सुंदर हो गई, मनोहर हो गई, अद्भुत हो गई। महाराज उस समय की जो वह काल गणना है ना, वो बताई नहीं जा सकती। सबके हृदय में उल्लास आ गया, आनंद आ गया, यहां तक कि पशु पक्षी कीट पतंग वृक्षों में महाराज हरियाली आ गई, और सरजू जी में सुंदर जो है शीतल जल बहने लगा, शमीर बहने लगी, शीतल मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगी। यह सुंदर समाचार जब वहां की उन ग्वालिनियों को गोपियों को पढ़ा तो महाराज एक दाई आई और दौड़ते दौड़ते आई, कौशल्या जी बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या जी ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कहा कौशल्या जी आपके लाला भैया है, इसलिए मैं आपको बधाई देती हूं और आपका लाला जुग जुग जिए। उसने कहा मैया देख, मैंने तेरे लाला के लिए दूध का रस पी करके एकादशी का व्रत किया है, यही से तेरे घर में लाला भयो है। कौशल्या जी ने कहा अरे तू ठीक कह रही है दाई, तुम सवन के तो आशीर्वाद से या बुढ़ापे में हमारे घर संतान भई है, तो जब आप सब लोगों ने ऐसा आनंद और ऐसा जो है आशीर्वाद दिया, व्रत किया, नियम किया, तभी तो हमारे घर में लाला हुआ है। तो उसने कहा मैया यदि तू प्रसन्न है ना तो मुझे सूर हार देना। मैया ने कहा जरूर मैं दूंगी, और मैया जो है अपने गले का सूर हार उतार करके और उस दाई को देती। अब दाई तो नाचती है, नाचती है, महाराज मुझे हार मिला, हार मिला, हार मिला। भागते भागते गई, पड़ोसन ने कहा अरे क्यों चिल्ला रही है, लाला तो कौशल्या दशरथ के आंगन में हुआ है, तू इतना क्यों चिल्ला रही है, हंस रही है, नाच रही है, कूद रही है। का देखना मुझे सूर हार मिला है। महाराज दूसरी भी भक्ति भागती गई, मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया मैंने तेरे लाला के लिए जो है ना दूध पी करके एकादशी का व्रत किया है, आहा इसलिए आपके घर में जो है लाला हुआ है। मैया ने कहा देखो तुम सबके आशीर्वाद से ही मेरे लाला हुआ है। उसने कहा मैया लाला हुआ है तो पड़ोसन के तूने सूर्य हार दिया है, मुझे भी चंद्र हार देना। मैया ने कहा ले मेरे लाला को पकड़ और मैं अभी जो है चंद्र हार लेकर के आती हूँ। जैसे ही मैया ने भगवान को गोद में दिया उस गोपी के महाराज, उसने जैसे ही दर्शन किया आहा नीलमणि उसके हृदय में समा गई। वह भगवान का अद्भुत तेज, वह भगवान के अद्भुत मुखारविंद का दर्शन करके महाराज अपने भाव को भूल गई, देह भान भूल गई। मैया ने कहा ले ले मैं तेरे लिए बधाई लाई हूं, बधाई ले। का मैया मुझे बधाई नहीं चाहिए, तेरे लाला ने न जाने मुझ पर क्या जादू कर दिया है, बस अब तो जहां देखती हूं तेरा लाला ही लाला दिखाई देता है। महाराज वो गोपी नाचने लगी और मैया ने कहा मेरे लाला ने दे तो मेरे लाला को नजर लगा रही है, मेरे लाला को जादूगर बता रही है। मैया ने लाला को ले लिया, अब तो महाराज वो दाई नाचने लगी, गाने लगी और जाकर के ठुमक ठुमक करके जो है स्मरण करने लगी। बस आंख बंद करे तो नीलमणि सी वही जो है छटा उसके हृदय में दिखाई देने लगी। आंख खोले तो भगवान का दर्शन, बंद करे तो दर्शन, दाएं बाल कृष्ण भगवान राम, दाएं बाएं आंगे पीछे सब जगह भगवान का दर्शन उसे होने लगा। पड़ोसन ने कहा क्यों नाच रही है, क्या हुआ? मुझे तो सूर्य हार मिला, तुझे क्या मिला? कहा मुझे जो मिला कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। अरे कहा लाला तो कौशल्या के यहाँ हुआ है और तू अपने घर को दियों से बंधनवार से सजा रही है, तुझे क्या मिल गया? कहा जो मुझे मिला है किसी को नहीं मिला। क्या मिला? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो भायो जी मैंने राम रतन धन पायो भायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दिहि मेरे सदगुरु वस्तु अमोलक दिहि मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो साधन है महाराज इस धन को पा करके फिर साधारण धन की इच्छा नहीं रह जाती। व्यक्ति के जीवन में जब तक भगवान के नाम का धन नहीं है ना तभी तक वह कागज के नोटों को इकट्ठा करता है। जिस दिन भगवान के नाम का धन व्यक्ति के जीवन में आ जाता है उस दिन फिर वह इस संसार को छोड़ करके और परमात्मा रूपी धन को एकत्रित करने लगता है। मीराबाई से किसी ने कहा अरे कौन सा धन पाया मीराबाई? मीराबाई ने कहा खर्चे न कूटे चोर न लूटे खर्चे न होए चोर न लूटे खर्चे न कोई चोर न लूटे खर्च न कोई चोर न लूटे नित नित बढ़त सवायो दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जीवन में राम नाम रूपी धन आ जाने के बाद फिर और धन की इच्छा समाप्त। एक सेठानी जी थी, सेठ जी ने इतना पैसा कमाया मगर एक दिन सेठानी जी बावरी हो गई और छत में खड़ी होकर के महाराज सेठ जी का जीवन भर का कमाया हुआ सारा का सारा धन लुटाने लगी। छत से पूरा धन लुटा दिया। किसी ने कहा सेठानी बावरी हो गई है बावरी लूट लो आज तो लूट लो जितना धन मिल रहा है। महाराज पूरे गांव वालों ने धन को लूट लिया। सेठ जी आए माथा सर में हाथ रखा हे राम ना जाने ये सेठानी को क्या हो गया। सेठानी को कहा रे बावरी क्या हो गया मेरे जीवन भर की कमाई तूने एक मिनट में चट कर दी। कहा सुनो जी आज मैंने कथा में सुना है क्या का ये सब धन जो है बेकार है। इस धन को इकट्ठा करेंगे महाराज कोई काम का नहीं है। अरे तो काम का नहीं है तो लुटा क्यों दिया रखा रहने देती। कहा मैंने सोचा मेरे काम का नहीं तो मैं क्यों करूंगा क्या करूंगी माटी को रख करके। अरे जब सब यही छोड़ करके जाना तो मैंने कहा लुटा देते हैं कुछ सत्कर्म कर देते हैं और कुछ इस लोक और परलोक को भी मना लेते हैं क्योंकि कथा में मैंने सुना है सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है। सेठ जी आप भी जब ये क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो 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 राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जीवन में सबसे बड़ा धन राम नाम धन है। हमारे कर्पात्री जी महाराज बनारस से अयोध्या जाया करते थे।
तो अपने जजमानों से कहते थे हम करोड़पति और लखपतियों से मिलने जा रहे हैं। तो किसी ने कहा महाराज करोड़पति और लखपति तो आपको मुंबई कोलकाता चेन्नई में मिलेंगे, अयोध्या में कहाँ आपको मिलेंगे। तो उन्होंने कहा हम धन को एकत्रित करने वाले करोड़पतियों से मिलने नहीं जा रहे हैं, हम तो राम नाम रूपी धन को जो करोड़ नाम जप चुके हैं, लाख नाम रोज जपते हैं, हम तो ऐसे ऋषि मुनियों से मिलने जा रहे हैं, हम उन बनियों से थोड़ा मिलने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जीवन में जब तक आपके संतोष रूपी धन नहीं आएगा, तो चाहे महाराज आपका घर सोने से नहीं मड़ियों से भर जाए, कुछ होने वाला नहीं। क्या मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मगर इधर एक भी आवाज नहीं आ रही। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मुझे प्रत्युत्तर तो मिलना चाहिए। तो आप लोगों की तरफ जरूर अच्छी आवाज जा रही होगी, मगर मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। तो भगवान के नाम का धन सबको एकत्रित करना चाहिए। देखिए जब समय मिले ना तभी नाम ले लिया करिए, क्योंकि ये नाम भगवान ही इस संसार में आपका कल्याण करने वाले हैं। और कोई भी संसार में ना आपका परिवार साथ देगा, ना आपके बच्चे, ना आपका कोई भी हितैषी, महाराज जितना भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा उतना कोई नहीं करेगा। आज श्री दशरथ जी महाराज के घर परमात्मा आए तो सहजता से थोड़ा आ गए हैं, कितने जन्म लेने पड़े तब जा करके आए हैं। देखिए हम लोग गोस्वामी जी की कथा सुन रहे हैं ना, रामचरितमानस। गोस्वामी जी लिखते हैं बिगिरी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। अनेक अनेक जन्म माने एक जन्म नहीं, हजारों जन्म की बिगड़ी एक ही क्षण में सुधर सकती। कब? जब हमारे जीवन में राम नाम आ जाएगा तब। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। आज सुधरेगी अभी इसी क्षण जब हमारे जीवन में परमात्मा का नाम हो जाएगा, उसी समय महाराज हमारी जन्म जन्म की बिगड़ी संभर जाएगी और परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। हम लोग इतनी क्यों जद्दोजहद कर रहे हैं, रोज कथा सुनना, रोज कीर्तन करना, रोज भगवान का नाम लेना, रोज मंदिर जाना, ये तब तक है जब तक उनका दर्शन नहीं हो जाता। सज्जनों जीवन में दो प्रकार की आत्महत्या बताई गई है। कौन सी? तो कहा एक तो जहर खा के मर जाना, कुएं में कूद जाना, पहाड़ों से कूद जाना, एक ये आत्महत्या। और दूसरी आत्महत्या क्या है? का दूसरी आत्महत्या है इस शरीर को पा करके उस राघव जी को बिना जाने इस संसार से चला जाना, ये दूसरी आत्महत्या है। ध्यान दीजिएगा उस आत्महत्या काया माटी हो गए चर्चा हो गई गली गली, सुंदर काया माटी हो गई चर्चा हो गई गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, बोल राम बोल राम बोल राम राम श्री राधे बोले राज राम चंद्र भगवान। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। परमात्मा रूपी धन जीवन में आ जाए तो हमने जीवन का सार प्राप्त कर लिया। क्योंकि इस शरीर से यदि कोई कर्म करना है तो परमात्मा की प्राप्ति का कर्म करना है, जैसे हमारे दशरथ जी ने किया और कौशल्या जी ने किया। आइए आज दशरथ जी के कान में बात गई कौन सी, तो कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना,
दशरथ पुत्र जन्म शुनिकारा मानहु ब्रह्मानंद शमा परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा चाहत उठन करत मति धीरा चाहत उठन करत मति धीरा। आज दशरथ जी महाराज के कान में आवाज गई क्या कि दशरथ पुत्र जन्म शुनि काना। दशरथ जी महाराज ने आज सुना कि हमारे पुत्र हुआ है। आज दशरथ जी महाराज इतने आनंदित हो गए महाराज, कहते हैं कि दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि लाला हुआ है महाराज, मानो उनको लगा ब्रह्मानंद ही हमारे घर में आ गया। और क्यों ना हो, ब्रह्मानंद ही तो आया है। हमारे घर में साधारण बालक पैदा होता है महाराज तो कितना उत्सव मनाते हम, मगर जिसके यहां साक्षात नारायण आ गया हो वो कितना उत्सव मनाएगा। आज दशरथ जी महाराज को लगा मानो ब्रह्मानंद ही हमारे घर में आ गया हो, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। देखिए पुत्र का जो स्नेह जो प्रेम पिता करता है उतना कभी पुत्र दे नहीं सकता है। आत्मा वही जायते इति पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र कहलाता है। आज दशरथ जी को इतना आनंद हुआ महाराज, बुढ़ापे में मेरे संतान हुई और वो भी लाला हुआ है, उनको इतना जो है सुख प्राप्त हुआ और अपने गुरु जी की वाणी उन्हें सार्थक लगी कि मेरे गुरु जी ने जो कहा था सत्य कहा था। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। महाराज शरीर पुलकित तो हो गया, गदगद हो गया और आनंद में श्री दशरथ जी महाराज अधीर हो गए, बुद्धि को धीरज दिया। जब हमारे अंदर ज्यादा थोड़ा सा क्या खुशी की हर्ष की वृद्धि हो जाती है ना, तो हमारे जो है स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। हाँ, माताओं से पूछना जब बालक जन्म होता है तो कितना आनंद लेते। हाँ, हमारी माताओं को बड़ा जो है, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है ना तो बड़ा आनंद लेती हैं जब बालक होता है, और कहीं बिटिया हो गई तो अब मत पूछिए। तो दशरथ जी महाराज आनंदित हो गए, पुलकित तो हो गए, अधीर हो गए, आनंद का उन्हें पारावार नहीं रहा महाराज। चलने में जैसे लड़खड़ा रहे हो, इतना आनंद, क्या लाला हुआ है, लाला हुआ है। और दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्यों ना हो महाराज। जाकर नाम सुनत सुबह होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी कहते हैं कि जाकर नाम सुनत सुबह होई, जिसका केवल नाम सुनने से कल्याण हो जाता है वो परमात्मा आज मेरे घर में आ गया है तो कितना ना आनंद आएगा। साधारण बालक के जन्म का जब हमें इतना आनंद और हर्ष होता है, जिसके घर में ब्रह्मानंद आ गया उसको कितना आनंद होगा। और मोरे गृह आवा प्रभु सोई, आज साक्षात वही मेरे घर में मेरे आंगन में जो है जन्म ले लिया। कौन? जिसका नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाता है। ऐसा कौन है? तो कहा ऐसा तो नारायण ही है। परमानंद पूरी मन राजा और कहा बुलाई बला बजावहु बाजा।
आज महाराज उनके घर में सहनाइयां बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगे, मृदंग बजने लगे, खूब आनंद हुआ। सबने आकर के खूब ढोल बजाए और महाराज खूब आनंद हुआ। रामचंद्र भगवान आनंद हुआ। गुरु जी को बुलाया गया, गुरु जी आइए हमारे लाला हुआ है। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। वशिष्ठ जी महाराज अकेले नहीं आए हैं, किनके साथ? तो कहा अपने साथ वैदिक ब्राह्मणों को लेकर के आए हैं और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने आकर के खूब आशीर्वाद दिया। दशरथ जी महाराज, आपका लाला जुग जुग जीवे और इसके सारे शत्रु मर जाएं। अनुपम बालक देखनी जाई, रूप राशि गुण कहिना रिशाई। महाराज उस अनुपम अनोखे बालक को देख करके उनका गुण वर्णन करने योग्य नहीं है, इतना अनुपम है, अद्भुत है। महाराज परमात्मा को देख करके फिर कोई उसकी उपमा दे सकता है क्या? अच्छा एक बात बताइए, किसी गुड़ किसी गूंगे को गुड़ खिलाया जाए और उससे कहा जाए बताओ कितना मीठा है, तो क्या वो बता सकता है? हाँ, ऐसे ही परमात्मा कितना सुंदर है, कितना मधुर है, कितना दिव्य है, ये वाणी का वैभव नहीं हो सकता। वाणी से उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वो वाणी का विषय ही नहीं है परमात्मा। क्यों? क्योंकि जो जान जाएगा फिर बोल नहीं पाएगा, इसलिए जिसने देखा बस चकित रह गए। नंदी मुख शराध करी, जात करम शब की हाटक धेनु बशन मनी, नृप विप्रन कहदी। सुंदर ब्राह्मणों को बुला करके महाराज नंदी मुख श्राद्ध कराया गया और जात कर्म संस्कार हुआ। आज हमारे जीवन से सारे संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। हमारे जीवन में कितने संस्कार हैं? कई लोगों को तो नाम ही नहीं मालूम। 16 संस्कार हैं और इन 16 संस्कारों से ही हमारे जीवन में एक दिव्यता और भव्यता का संचार होता है। मगर आज की भौतिकता में हम लोग सारे संस्कारों को भूल करके केवल एक ही दो पकड़ लिए। कहा कौन सा? तो कहा अब तो ना गर्भाधान संस्कार होता है, ना ही उन्नयन संस्कार होता, ना सीमंतोन्नयन होता है, ना जात कर्म होता, ना चूणा कर्म होता, ना कर्णवेद होता, बस एक ही दो बचे। क्या? का बच्चे का जन्म हो गया और बड़ा हुआ तो ब्याह हो गया और बस हो गया, थोड़ा और बड़ा हुआ बुढ़ापा आया और चला गया, तो बस ये 3 संस्कार बचे। और वो अंतिम संस्कार भी आजकल नहीं हो पाता है, कोरोना में सबने देख लिया, तो इसलिए ज्यादा चक्कर में मत रहिएगा। हाँ, संस्कार से हमारे जीवन में जो निखार आता है वो किसी से नहीं आता। जैसे एक हीरा जब खदान से निकलता है ना तो काला कोयला रहता है, मगर जब जौहरी के पास जाता है तो जौहरी उसको घस घस के अमूल्य बना देता है। ऐसे ही हमारा जब जन्म होता है तो मल से लिटे होते हैं, सने होते हैं, कितना मल रहता है, मगर जब परमात्मा का जन्म हुआ तो मल नहीं था, वो तो निर्मल है, हो उसको कौन सा मल व्यापेगा। तो कहने का तात्पर्य जीवन में संस्कार की बहुत आवश्यकता है। पहले हमारे यहाँ मुहूर्त तो देखा जाता था कि गर्भाधान संस्कार का, सीमंतोन्नयन का, हर चीज का संस्कार है, हमारे यहाँ मुहूर्त है। आज तो सब बस भागवत में आया है, रमन्ते महिषा इव,
जैसे पशु पक्षी रमण करते हैं, बस ऐसे ही लोग रमण कर रहे हैं और संतानों का व्यापार कर रहे हैं। विवाह करना मना नहीं है, मगर विवाह के पश्चात विवाह इसलिए नहीं कि केवल बस विषय और भोग में ही लगे रह जाएं। कई लोग लाइन लगा देते हैं महाराज, विवाह इसलिए नहीं है, विवाह तो इसलिए है, चलो हमारे जो है उस जो हमारी परंपरा है, जो हमारे कुल है, उसकी वृद्धि हो, तो संतान की आवश्यकता है। अब संतान हो जाए तो पति पत्नी को भगवान का भजन करना चाहिए। अब ये दिव्यता जीवन की, कल मैंने सुनाया ना महाराज, शिव और पार्वती का प्रथम मिलन हुआ तो महाराज क्या हुआ, तो कहा रामचरितमानस का प्राकट्य हो गया। पुनः मिलन हुआ तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य हो गया। तो मिलन ऐसा होना चाहिए, मिलन तो करदम और देवहूति जैसा होना चाहिए। करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति को देखा, आह हे देवी, जब तू इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। उन्होंने कहा देवी मैं थोड़ा समाधि लगा लूं क्या, और महाराज हजारों वर्ष की समाधि लग गई करदम जी की। ये तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा, बोल लीजिए, पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। अरे तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालन। श्री राजा दशरथ कौशल्या ने आज उस अद्भुत सुंदरता दिव्यता की उस माधुरी मूर्ति को अपने घर में ही पधरा लिया। तो जात कर्म हुआ महाराज। देखिए बच्चों का जन्म होना तो उसके बाद कई संस्कार होते हैं, करा लीजिएगा, इससे आपके बच्चों में और निखार आएगा। सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, चूणा कर्म है, कर्ण भेद है, नामकरण संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, अनेक अनेक इस तरह से संस्कार हमारे यहाँ बताए गए। आज नंदी मुख श्राद्ध कराई गई और राजा ने नंदी मुख श्राद्ध के पश्चात ब्राह्मणों को खूब दान दिया है और ब्राह्मण आशीर्वाद दे करके अपने अपने घर को गए। अब आइए, अयोध्या की सभी नारियों को पता चला कि हमारे परमात्मा का जन्म हो गया है। देखिए ये साधारण नहीं, मैंने आपको कल बताया था ब्रह्मा जी ने पहले ही सारी व्यवस्था कर दी थी। सभी देवताओं को कहा जाओ अपने अपने स्वरूप को प्रकट करो। उनकी पत्नियों ने कहा महाराज हम अकेले स्वर्ग में क्या करेंगे, कहा चलो तुम भी चलो। तो सारे देवता अपनी पत्नियों के साथ में आकर के अयोध्या में आज साधारण मनुष्य की तरह भगवान के स्वागत के लिए आए हैं। आइए अयोध्या की सारी सखियां आज श्री दशरथ जी के यहाँ बधाई लेकर के जा रही हैं। अरे जन्मा है राज दुलारा, मैं वारी जाऊं वारी वारी जाऊं। जन्मा है राज दुलारा, मैं वारी जाऊं वारी वारी जाऊं। जन्मा है वारी वारी जाऊं। जन्मा है राज दुलारा, मैं वारी जाऊं वारी वारी जाऊं। आप लोग भी अपने हृदय भवन में भगवान का प्राकट्य कराइए। की कथा का फल क्या है, भगवान की प्राप्ति। जब तक आप थोड़ा सीधे होकर के बैठिए, क्योंकि जब तक आप झुक करके बैठेंगे ना तो आपका मन नहीं लगेगा। थोड़ा रीढ़ को सीधी करिए। आपने पढ़ा होगा, जब पढ़ाते हैं अध्यापक तो क्या प्रश्न चिन्ह कैसा होता है, टेढ़ा। अब आप टेढ़े बैठेंगे ना तो आपके यहाँ प्रश्न ही प्रश्न आएंगे, आपको उत्तर समझ में ही नहीं आएगा। और पूर्ण विराम एकदम सीधा,
सीधे होकर के बैठे, फिर पूर्ण विराम लग गया तो फिर कोई प्रश्न नहीं, और जब तक वो बीड़ा, हाँ थोड़ा सीधे बैठे। हाँ जन्मा है राज दुलारा, मैं वारी जाऊं वारी वारी जाऊं, जन्मा है राज दुलारा, मैं वारी जाऊं वारी वारी जाऊं। दशरथ जी को प्राण जीवन धन, दशरथ जी को प्राण जीवन जीवन धन, दशरथ जी को प्राण जीवन धन। कौशल्या क्या प्यारा, कौशल्या का प्यारा, मैं वारी जाऊं वारी वारी जाऊं, जन्मा है राज दुलारा, सखियों ने जा करके केवल भारत देश ऐसा है, अरे पानी को दूर नहीं करेंगे तब तक राम नाम रूपी मीठा अमृत हृदय में आने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम जब भागवत की कथा करते हैं तो हम श्लोक ज्यादा बोलते हैं और हम चौपाई भी ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि इधर उधर की बातें करके कोई लाभ नहीं है। भले आपको समझ में आए चाहे ना आए, मगर देववाणी है ये कान में पड़ जाएगी ना तो आपका कल्याण होगा होगा होगा, इसलिए सुनते रहिए सुनते रहिए। प्रगट भगवान प्रगट हो गए तो एक दिन पूरे जीवन का हमारा जो है जीवन लेना सार्थक हो जाएगा। हाँ अरे भाई, कोई छात्र पढ़ता है साल भर मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का फल क्या है, उस कक्षा में उत्तीर्ण होना। हाँ ऐसे ही हम जीवन भर लगे हुए हैं और हमारे जीवन अगर व्यर्थ में चला गया तो फेल हो गए, और पास कैसे होंगे का जीवन भर कुछ भी किया, यदि जीवन में परमात्मा का नाम ले लिया और वो सिद्ध हो गया, अंत में परमात्मा ने दर्शन दे दिया महाराज, तो हमारी परीक्षा सफल हो गई। पूरे जीवन का सार है परमात्मा की प्राप्ति।
देखिए, जीवन में जब परमात्मा का आगमन हो जाएगा ना, तो हमारे जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय प्रगटो। ये सब जो छोटे छोटे सूत्र है ना, यही हमारे जीवन को बदल सकते हैं। नदी को देखते हैं, नदी हिमालय से निकलती है, कितनी चट्टानों पर्वतों से टकराती है, मगर वो अपने आप को रोकती है क्या? बोलिए, हिमालय से आने पर गंगा को कितनी मेहनत लगती है बताइए? कितना दूर से चल करके आती है, कितने बड़े बड़े पर्वतों को, अब वो सोचे कि पर्वत आ गया, अब क्या करूं मैं, आगे कैसे बढ़ूं, तो कभी बढ़ पाती क्या? मगर नदी ने अपने उस संकल्प को नहीं बिसारा। उसका संकल्प था हिमालय से निकलना और सागर में मिलना। ऐसे ही आपके जीवन में जो संकल्प बना, यदि संकल्प की पूर्ति ना हो तो आपको संकल्प नहीं बदलना है, संकल्प को पूर्ति करने का मार्ग प्रशस्त करने बदल देना, बस आपका संकल्प पूरा होगा। गंगा मैया किसी पर्वत से टकराती नहीं है, सामने पड़ गया क्या करती है, वो अपनी धार को मोड़ लेती है और मोड़ करके इधर उधर दाएं बाएं होकर के सीधे जा करके गंगा जी में पहुंच जाती है। ऐसे ही इस जीवन रूपी गंगा को भी हमें परमात्मा रूपी समुद्र तक पहुंचाना है, बस यही कथा का सार है। चिल्लाया मत करो अंधेरा अंधेरा अंधेरा, कहीं अंधेरा अंधेरा नहीं है, हाँ बस दिया ना जलाने का नाम अंधेरा है। ऐसे बस दुख है दुख है दुख, रोया मत करो, भगवान का नाम जब तक नहीं है तभी तक दुख है, और भगवान का नाम आ गया तब। महाराज जी एक गांव में जो लोग रहते थे, तो उनको एक भाई रहता था, दिन भर तो बेचारे खाते पीते खेलते कूदते, मगर जैसे रात आने लगती ना तो क्या कहते, अरे भूत आने वाला है, अंधेरा भूत, काला भूत आने वाला है, काला भूत। अब क्या करते हैं, अपने अपने घर से कोई घड़ा लाए, कोई कसहड़ी लाए, कोई ड्राम लाए, और रात भर बेचारे उस काले भूत को उस घड़े में भरते, कोई ड्रम में भरता और फेंकते हैं। एक दिन हुआ, चार दिन हुआ, वो यही करते थे जीवन भर। उनको क्या था कि रात्रि में काला भूत आ रहा है। अब महाराज रात्रि आएगी ही कौन जाने। अब एक दिन संत आए, संत ने देखा ये क्या कर रहे हैं, कहा महाराज हमारे गांव में काला भूत आता है रात को। अच्छा तो ये क्या कर रहे हो, कहा हम तो उसको कसाड़ी में बाल्टी में ड्रम में भर भर के उसको, और महाराज शाम से रात भर भरते, और जब सुबह हो जाती तो कहते कि काला भूत चला गया चला गया चला गया। संत ने देखा रे राम राम कितने मूर्ख हैं ये लोग। पुनः रात्रि हुई, संत जी ने हाथों हाथ दूध से घी निकाला और कपास से रुई बनाई, उसकी बत्ती बनाई और महाराज सुंदर घी से उस बत्ती को प्रज्वलित कर दिया और उस अंधेरे में भी प्रकाश। समझ में आई बात, जीवन में रोना मत कभी, अंधेरा है अंधेरा है। अज्ञान रूपी अंधेरा तभी मिटेगा जीवन से जब ज्ञान रूपी परमात्मा का प्रकाश हमारे जीवन में आ जाएगा। अंधेरा कहीं नहीं है महाराज, सब जगह प्रकाश है, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, इसलिए रोना मत अंधेरा है। इस तरह से खूब आनंद हो रहा है, कछुक दिवस बीते ही भांति और जात न जानिया दिन अरुराती। महाराज कुछ दिन बीते, कितने कई दिन बीत गए, मगर पता ही नहीं चला कि कब दिन हो गया और कब रात हो गई। क्यों? क्योंकि आज आनंद की राशि हमारे यहां आ गई है। देखिए हम लोग केवल एक बूंद को पा करके इतने आनंदित हो रहे हैं, और जिसके घर में सुख का राशि आ गया वो कितना आनंद ना होगा। हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का रूप देखते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, उसमें हमें कितना आनंद आता है, आता है कि नहीं आता बोलिए। मगर वो आनंद कितना है का सीकर
गोस्वामी जी कहते हैं क्या, अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आशी करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। परमात्मा का नाम समुद्र की तरह है, मगर हमको जो सुख मिल रहा है वो सीकर बूंद की तरह है। अब उस बूंद को पा करके हम इतने आनंदित हो रहे हैं, कहीं पूरा समुद्र हमें मिल जाए तो बताइए कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा। आज दशरथ जी के यहाँ सीकर नहीं, पूरा समुद्र ही आ गया है महाराज। और जो क्षीर सागर में जो बड़े बड़े योगियों के, सन्यासियों के, मुनियों में ध्यान में नहीं आता था, उसको बड़े बड़े ज्ञानी क्या कहते हैं, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते। जो परमात्मा को कोई ब्रह्म कहता था, कोई अविनाशी कहता था, कोई निर्गुण कहता था, कोई निराकार कहता था, कोई निरीह कहता था, कोई अजन्मा कहता था, वही आज राम के रूप में आकर के सबको आनंद दे रहा है। वदन्ति तत्त्वविदः, बड़े बड़े तत्ववेत्ता उस परमात्मा को कहते हैं, समाधि में क्या कहते हैं, बैठ गए बस आप योग करिए, तो योग में क्या कहते हैं, हरि ही ओ, योगी ओम का जाप करते हैं, क्यों, वो कहते हैं यही ब्रह्म है। और थोड़ा नीचे आइए तो क्या कहेंगे, जो भगवान के जो ज्ञानी लोग हैं उसी ब्रह्म को कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही शिव हूं, वो और नहीं, मैं और नहीं, एक ही है। मगर हमारे और आपके समझ में ये बात नहीं आई, तो जो भक्त लोग थे भगवान उनके लिए और सरल बन गए। देखिए जब माता पहले, आज तो नहीं, पहले के जमाने में माताएं पानी भरने जाती थी, कहाँ, तालाब में, कुएं में, आज तो सबके घर में नल है सप्लाई का पानी। तो जब जाया करती थी तो घड़ा लेकर के चलती थी, और कभी कभी बच्चे को भी साथ ले जाती थी, छोटे छोटे बच्चों को। अब जब पानी भर के चलती तो पानी का घड़ा कमर में, तो कमर लचक गई नहीं, लचकी ना, तो जब लचकी तो अब बच्चा कभी कभी रोने लगता था, तो माँ क्या कहती थी, बेटा देख मैं पानी का घड़ा लेकर के खड़ी हूं और मुझसे झुका नहीं जाता, सुन ऐसा कर, कुछ तू ऊपर आ और कुछ मैं तेरे को दे उठाती हूं, और आ तो मेरी गोद में बैठ जा। हा? आपके एक हाथ में कोई सामान हो तो आप क्या कहे, थोड़ा तू भी बल लगा, थोड़ा मैं भी, और आ। तो माता एक हाथ से उठाती, थोड़ा बालक भी कभी कमर पकड़ता, कभी हाथ पकड़ करके, और माँ की गोद में। हाँ बस ऐसे ही जब आप बालक बन जाएंगे ना तो भगवान भी थोड़ा झुक जाएंगे, और मगर हम बालक बनना नहीं चाहते, हम तो बाप बनते हैं। हाँ थोड़ा सा कथा कीर्तन सुन लिया तो बस हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं, दो चार पुस्तकें पढ़ लिया तो हमसे बड़ा ज्ञानी, ना ना, भगवान को पाना है तो एकदम आपको बालक बनना पड़ेगा। जैसे बालक अपनी माँ को उस अवस्था में भी प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही जब आप बालक बन जाएंगे तो थोड़ा परमात्मा झुकेगा, और थोड़ा आप हाथ ऊपर उठाइएगा, बस परमात्मा आपके हाथ को पकड़ करके अपनी गोद में ले लेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आइए भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं।
और जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बालक चलने के लिए सोचता है। हाँ, आज भगवान भी बड़े हो रहे हैं, अब छोटे थोड़ा रहेंगे, बड़े होंगे ना। तो आइए, भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और भगवान कभी दीवार पकड़ते हैं, कभी भगवान कुर्सी पकड़ते हैं, कभी आसन पकड़ते हैं, कभी पलंग पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। ये दृश्य देख करके माताएं बहुत आनंदित होती हैं। आइए उस दृश्य को हम भी थोड़ा देखते हैं, कैसा दृश्य है। अरे ठुमक चलते राम चंद्र, इन बालक राम को चलाइए, इनकी माता जी इनकी उंगली पकड़ करके और इनको चलना सिखाएंगी आज। हाँ, ठुमक चलते राम चंद्र, बाजत पे जनिया, ठुमक चलते राम चंद्र, बाल राम को चलाइए। भी राम जी ही हैं, आप चलना सीख रहे हैं। तब क्या होता है, भगवान के पैर में पैजनिया बंधी हुई है, रुनझुन रुनझुन पैजनिया बजती है, भगवान चलते हैं। आहा, उस झनकार को सुनकर के माताएं और आनंदित हो जाती हैं, और क्या कहती हैं, सागर कहता है, रुनझुन बाजे पैजनिया, ओ लाला चलने लगे, लाला चलने लगे, लाला चलने अपने हृदय में भगवान को चलाए। सुने सुने बाजे पे जनिया, लाल चलने लगे, लाल चलने लगे, पड़त कभी गिरत पड़त, कभी पग दग मत, कभी पग दग मत, कभी गिर गिर के राधा संभलने लगे, गिर गिर के राधा संभलने लगे, ओ कभी गिर गिर के राधा संभलने लगे, गिर गिर के राधा संभलने लगे, पत्रकार महोदय आए हैं इस व्यास कीर्तन को, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत उनका स्वागत है। बालक क्या करता है, कभी मैया की गोदी में चलने लगे, कभी मैया की गोदी में चलने लगे, कभी बाबा
की गोदी में आने लगे, कभी बाबा की गोदी में आने लगे, कभी बाबा की गोदी में आने लगे, कभी बाबा की गोदी में आने लगे। कभी अचरा बालक क्या करता है, कभी कभी माँ का आंचल पकड़ के और रूठ जाता है, भैया मुझे गोद में ले ले, मुझे गोद में ले ले। कभी मैया कचरा पकड़ने लगे, कभी मैया कचरा पकड़ने लगे, रुने झुने बाजे पे दुनिया, ओ लाला चलने लगे, लाला चलने लगे, लाला चलने लगे, लाला चलने लगे, रुने झुने बाजे पे दुनिया, ओ लाला चलने लगे, 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 ओ लाला चलने लगे, कभी परमात्मा को भजन करने के लिए एक सूत्र बांध लीजिए। अरे प्रेम हटी को तेल मनाया और मनड़ारी कर ली बाती, अरे भाव भगति का दिवला बनाया और ज्योत जले दिन राती, ज्योत जले दिन राती। बहुत बहुत आपका स्वागत, आभार आपका, आशीर्वाद। परमात्मा के लिए महाराज क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रेम हटी का तेल, प्रेम रूपी तेल इकट्ठा करिए। हाँ, और प्रेम हटी को तेल मंगाया, मनड़ारी कर ली बाती, और मन की बाती बनाइए और उसको खूब रगड़िए। हाँ, और मन की बाती बनने के बाद थोड़ा भाव भक्ति का एक दिया तैयार कर लीजिए, और भाव भक्ति का जब दिया तैयार हो जाएगा ना महाराज, तो ज्योत जले दिन राती, फिर वो ज्योत बुझने वाली नहीं है। एक बार परमात्मा के मिलन की ज्योत जल गई, वो बुझेगी नहीं महाराज, वो तो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। जैसे अग्नि में जितना घी डालेंगे उतनी अग्नि, एक बात बताएं, आप जितना विषय में अपने मन को लगाएंगे आपका मन उतना ही दूषित होगा, और खुद आप दूषित होंगे दूसरे को भी प्रदूषित करेंगे। इसलिए मन को अपने निर्मल बनाइए, जब तक कि मन परमात्मा के लिए नहीं देंगे तब तक परमात्मा आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए मन की बाती बना लीजिए और सुंदर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, बस फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। अब आइए इधर, भगवान बड़े हो रहे हैं थोड़े थोड़े, तो जब बालक बड़ा होता है, अब आज आइए इधर। माताएं तो अपने से नाम रख लेती हैं बालकों का, मगर आज वशिष्ठ जी को बुलाया गया, और वशिष्ठ जी को बुला करके बच्चों का नामकरण संस्कार किया गया। आज वशिष्ठ जी आए हैं, वशिष्ठ जी ने आकर के जो है आसन ग्रहण किया। कैसे आसन ग्रहण किया, करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। बड़े प्रेम से आदर पूर्वक आज वशिष्ठ जी को आसन दिया है किसने, चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने। देखिए, लोग कहते हैं राजनीति में संतों का आने की क्या आवश्यकता है, महाराज संत नहीं होते तो जल मरता संसार। हाँ, ध्यान दीजिएगा,
संत से ही ये राजनीति, क्योंकि राजा स्वच्छंद नहीं है। जब तक उसके ऊपर किसी धैर्यवान, गुणवान, विद्यावान संत का, गुरु का वरद हस्त नहीं होगा, तब तक राजा भी राज नहीं कर सकता। हमारे मोदी जी को देखते हैं ना आप, निरंतर वो आशीर्वाद लेते रहते हैं। वो दिखावा नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। दिखावा करना होता तो एक बार दो ही बार चलता है, लगातार दिखावा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि राजा जानता है कि मैं स्वच्छंद नहीं हूं। और जिस दिन राजा स्वच्छंद हो जाएगा, कल आपने प्रताप भानु की कथा सुनी? नहीं सुनी। राजा ने एक कपटी संत का सहयोग लिया और उसको ही अपना गुरु बना लिया, जबकि उसका गुरु पहले से बैठा। ध्यान दीजिएगा, जीवन में जब आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे, अपनी बुद्धि को दौड़ाने लगेंगे, द्विज में फैल जाएंगे, द्वैत में आप भटक जाएंगे। राजा को सिद्धि प्राप्ति करने की बड़ी इच्छा हुई कि मैं अमर हो जाऊं, मैं अजर हो जाऊं, तो उस कपटी संत ने कहा तुम ब्राह्मणों को खूब खिलाओ पिलाओ, और इतने ब्राह्मणों को खिलाओ और वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, फिर तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं मार सकता। अब उस कपटी संत के चक्कर में आकर के उस प्रताप भानु राजा ने, आपने देखा ना, ब्राह्मणों को उसके द्वारा बनाई हुई रसोई पवा दी। और कैसी रसोई थी महाराज? उस कपटी ने महाराज ब्राह्मणों के मांस से ही वो रसोई बनाई थी। और जो उसका मित्र था मैं दानव, उसी ने आकाशवाणी कर दी कि अरे ब्राह्मणों, इस अन्न को खाओगे तो तुम्हारा ब्रह्म तत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें तो मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने आओ देखा ना ताओ और राजा को कह दिया, राजा जाओ परिवार सहित राक्षस हो जाओ। तब पुनः भगवान ने आकाशवाणी की, अरे ब्राह्मणों, ये आप लोगों ने क्या किया? इस राजा का उसमें कोई दोष नहीं है, ये तो इसके कपटी जो गुरु था, जो संत था, उसके कहने से इसने। और वो कपटी गुरु कौन था? कल कथा थोड़ा रह गई थी। वो कपटी गुरु एक राजा था, प्रताप भानु ने, देखिए राजाओं का काम क्या था, पहले जो राज्य है सबको जीत लो, और जो जीतता था वही राज्य करता था। तो प्रताप भानु उस समय चक्रवर्ती राजा थे, तो जिस राजा को जीता था वो बदला लेने के लिए जंगल में जाकर के संत वेश बना करके रहने लगा। और एक दिन राजा रास्ते से दिग्भ्रमित हो गए, उसने पहचान लिया है प्रताप भानु, बस उसने ऐसा लपेटा अपने माया में कि राजा चक्कर में आया और अंत आज रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा। कहने का तात्पर्य है, राजनीति में जब तक किसी ज्ञानवान, धैर्यवान संत का, सदगुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, राजनीति, देखिए लोग कहते हैं राजनीति, ना ना, धर्म से राजनीति, धर्म में राजनीति नहीं, मगर आज धर्म में राजनीति हो रही है, धर्म से राजनीति नहीं। एक दूसरे को, एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, माफ करिएगा, कोई किसी से नहीं लड़ाता। हाँ, आज कौरव और पांडव अलग अलग धर्म के थे क्या? बोलिए, एक ही धर्म के थे, फिर भी लड़ाई हुई। आज यूक्रेन और रूस क्या अलग अलग धर्म के हैं क्या? बोलिए, एक ही धर्म के हैं ना, तो क्यों लड़ रहे हैं? एक ही जाति के हैं महाराज, किसी को धर्म ने, आजकल जो है अखबार में बड़ा छपता है, रोज कभी ना कभी छापने वाले छापते रहते हैं, धर्म के नाम पर ये हो गया, धर्म के नाम पर, धर्म के ठेकेदारों ने ये कर दिया, धर्म के ठेकेदारों ने कुछ नहीं किया, ये तो अपने स्वार्थ सिद्ध करने वालों ने किया। धर्म कभी किसी को लड़ाना नहीं सिखाता, माफ करिएगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्म भयावह, अपने धर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ। हाँ, दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा हो मगर कभी भी उसे अपनाना नहीं चाहिए, और अपना धर्म कैसा भी उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, इसलिए एक बात याद रखिएगा, किसी को कोई नहीं लड़ाता महाराज, सबको अपना अपना स्वार्थ लड़ाता है, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए बस, कैसे हो अब ये भगवान ही जाने। तो धर्म किसी को नहीं लड़ाता महाराज, हमारा धर्म तो सबको एक रहने की शिक्षा देता है।
वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंब की हम लोग भावना रखते हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म किसी को लड़ाएगा? अरे महाराज, हम तो अपना अधिकार मांगते मांगते स्वयं ही अपने अधिकार से च्युत होते जा रहे हैं, और फिर भी हम ही लोगों को जो है सहना पड़ता है। चलिए, ये बात की बात है। तो आइए, राजा ने श्री वशिष्ठ जी का बहुत सम्मान किया, उनको जो है सुंदर आसन दिया। पादयोपाद्यम हस्तयोः अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। पाद अर्घ आचमनी वस्त्र आदि दे करके चंदन किया, छत दिया, माला पहनाया और गुरु जी को प्रणाम करके कहा, गुरु जी अब हमारे बालक बड़े हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इनका नाम संस्कार कर दीजिए। देखिए, जीवन में नाम बहुत मायने रखता है। नामी को चिंता रहती है हो न जाए बदनाम। हाँ, तो नाम की बड़ी महिमा है, और नाम भी व्यक्ति को ऐसे रखना चाहिए जो जीवन का कल्याण करे। आज वशिष्ठ जी ने जैसे ही सुना, क्या मुझे नामकरण संस्कार करना है? जिसका कोई नाम नहीं है आज उसका नामकरण संस्कार करना पड़ेगा? या जिसके अनेकों नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम से हजारों नाम से भरा पड़ा है, गोपाल सहस्त्र नाम है, कितने सहस्त्र नाम है महाराज, जिसके नामों की कोई गिनती नहीं है, आज मुझे उसका नाम रखना पड़ेगा? आनंद से विभोर हो गए। आहा, वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद किए और राजा राम जी के दर्शन कर लिए। भगवान ने कहा, देखो ज्यादा पोल पट्टी मत खोलना, सीधे सीधे नाम रख देना। वशिष्ठ जी तो सब जानते हैं, और वशिष्ठ जी ने जो है कह दिया कि इनके नाम अनेक अनुपा, और मैं नृप कहब स्वामति अनुरूपा। हे राजन, इनके रामों की कोई गणना नहीं है, मगर फिर भी आप कहते हैं तो मैं अपने मति के अनुरूप इनका नाम रख देता हूं। वैसे तो इनके नामों की गणना नहीं की जा सकती। और वशिष्ठ जी ने हृदय में ध्यान दिया और कह दिया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी। राजन, ये जो तुम्हारे बालक है ना बड़े बड़े, ये आनंद के सागर है, सुख के सागर हैं, आनंद की राशि है, और इनके अनेक नाम हैं। कैसा नाम है कि सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम राम अस नाम, राम अस नाम, सो सुख धाम राम अस नाम। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अपने मति के अनुसार नाम दे दिया। क्या कि हे राजन, ये आपके बड़े बड़े पुत्र का नाम होगा। क्या बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम, ये तो अक्षर का नाम दे दिया। देखिए,
राम का अर्थ गुरु जी से दशरथ जी ने कहा, महाराज इस नाम का थोड़ा सा प्रताप भी बता दीजिए, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए थोड़ा सा, राम का अर्थ क्या होता है। तब महाराणा नहीं पड़ता, अरे भजले पंछीड़ा हरिना, राम नाम से तर जासी। इस नाम को लेने के बाद फिर आवागमन छूट जाता है, व्यक्ति इस नाम को लेकर के तर जाता है। तो भगवान का नाम पड़ा राम, कितना सुंदर नाम है। और आजकल हम लोग कैसे कैसे नाम रखते हैं महाराज, चिंटू मिंटू टिंकू पिंकू है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अरे कम से कम माला नहीं फेरना तो कम से कम ऐसे ऐसे नाम रख लो कि महाराज उस नाम को लेने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। नाम की महिमा जहां तक बखानी जाए कम है। एक व्यक्ति था, वो जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, कभी नहीं लिया। एक दिन संत आए, संतों ने कहा, भैया क्यों तू नाम नहीं लेता भगवान का, काम मुझसे नाम लेने के लिए मत कहना, और चाहे कुछ भी करा लो। अच्छा, संतों ने कहा, देखो अब हमारी भेंट तो हो ही गई है, तो संत बड़े परमार्थी होते हैं। संतों ने सोचा, अब यदि हमारे भेंट होने के बाद और इसका पतन हो जाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। संतों ने कहा, सुनो हमारे कहने से तुम एक बार नाम बोल लो। कहा, देखो मैं किसी का बात बात मानता नहीं हूँ, तो आपकी कैसे मान लूंगा, कभी पिता की नहीं मानी, माता की नहीं मानी, तो आपका करे मेरे कहने से मान लो, एक बार राम बोल लो। अच्छा ठीक है बोलो। तो उन्होंने कहा, बोलो राम। तो महाराज उसने भी जो अनमने से राम बोल दिया। अब इतना राम बोलना था कि संत ने कहा, सुनो अब इस राम नाम के बदले में यदि कोई तुमसे कुछ भी देने को कहे ना कि एक राम नाम का फल दे दो और तुम ये ले लो, तुम लेना मत कभी। महाराज कालांतर में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात उसको जो है यमराज के पास जाना पड़ा। और यमराज के पास गए, यमराज ने चित्र केतु को कहा, इसका लेखा पत्रा निकालो और देखो क्या इसने पुण्य किया क्या पाप किया। महाराज चित्र केतु ने जब देखा तो जीवन भर पाप ही पाप किया था, हो क्या बस पाप ही पाप है। कहना ना महाराज एक बार और देखने दीजिए। कहा, महाराज एक बार इसने नाम लिया है भगवान का, केवल एक बार। अच्छा अब चित्र केतु से यमराज जी ने कहा, अच्छा जल्दी बताओ एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। अब चित्र केतु भी बड़े चक्कर में पड़ गए। कहा, महाराज एक बार राम नाम लेने का फल तो मुझे नहीं मालूम, इसका लेखा जोखा मेरे पास नहीं है। तब यमराज ने कहा, सुनो तुम इस नाम के बदले में जो लेना चाहो ले लो और ये राम नाम का फल मुझे दे दो। उसने कहा, अच्छा मैं देने वाला नहीं हूं, अब जो तुम्हें करना हो सो करो, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों दूं। उसको अपने संत की बात याद आ गई। यमराज जी का माथा चकराया और यमराज जी जो है इंद्र के पास गए। इंद्र के पास जाकर के कहा कि महाराज ये बताइए इंद्र देवता, एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। अब वो जो जीवात्मा था वो लेट गया वहीं स्वर्गलोक में। इंद्र ने कहा, भैया हमको तो नहीं मालूम है एक बार राम नाम लेने का फल, क्या करें। कहा, चलो चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब जब उस जीवात्मा को कहा, भैया चलो ब्रह्मा जी के, वो झुंझला करके बोला, सुनो ये सब चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, कभी यहाँ जाओ कभी वहां जाओ, जाओ पहले निर्णय लेकर के आओ। कहा, नहीं नहीं भैया चलो चलो, किसी तरह से तैयार हो गया। अब एक बार राम नाम लेने का फल ब्रह्मा जी से पूछा गया, ब्रह्मा जी एक बात बताइए एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया हमको तो नहीं मालूम है क्या है। तब का इस नाम को तो निरंतर भगवान शिव जपते, चलो चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी के पास गए, शिव जी से पूछा गया, भैया महाराज शिव जी ये बताइए एक बार राम नाम लेने का फल क्या है।
शिव जी ने भी थोड़ा नाक कान दबाया और उन्होंने कहा भैया एक बार राम नाम लेने का फल तो मुझे भी नहीं मालूम। अब महाराज जो जो जीवात्मा था वो कैलाश में लेट गया और चलने लगे तो उसने कहा सुनो ये मैं चक्कर खाते खाते मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं यहाँ से एक इंच भी नहीं हिलूंगा, तुम लोगों को जो करना है सो करो, जाओ पहले पता लगा लो कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है, अब मुझे इतना परेशान मत करो। महाराज उसके लिए चारपाई मंगाई गई, उस चारपाई में उसको लिटाया गया। अब ब्रह्मा जी लगे, विष्णु जो है ब्रह्मा लगे, शंकर लगे, इंद्र लगे, यमराज लगे और कहाँ चले, कहा चलो अब नारायण से ही पूछेंगे एक बार राम नाम का फल क्या है। महाराज ले गए और भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान की जो सुंदर निद्रा खुली, उन्होंने चारों को देखा, अरे ये क्या आज आप लोग एक पालकी उठा करके आ रहे हो, क्या बात है? कहा महाराज क्या बताएं, थोड़ा हमारा बही खाता गड़बड़ हो गया। अच्छा क्या हुआ? कहा महाराज अब आपसे पूछने आए हैं कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है, बस इतना बता दीजिए और कुछ नहीं है। भगवान ने कहा अभी भी पूछना बाकी रह गया है क्या? हाँ अभी भी पूछना बाकी रह गया है। अरे ब्रह्मा तुम इसको उठा करके लाए, शिव उठा करके लाए, इंद्र और यहाँ तक कि यमराज लेकर के आए हैं, अब इससे बड़ा फल क्या होगा? जो विष्णु के ब्रह्मा के जो है शंकर और ब्रह्मा के भी सर पर बैठ करके आया है, ये है राम नाम की महिमा। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो भगवान के नाम लेने पर कभी सकुचाया मत करिए, ले लीजिए सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम। दूसरे बालक का नाम क्या? विश्व भरण पोषण करे जो कर नाम भरत अस होई, कर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेज गुनाशा, जाके सुमिरन तेज गुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद दूसरे बालक का नाम रखा गया क्या? भरत। उन्होंने कहा महाराज इसका क्या तात्पर्य होता है? तो कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये चौपाई लिख लीजिएगा, मानस की बड़ी सिद्ध चौपाई। जिसके घर में धन ना टिकता, धन की कमी हो, बस विश्वास मान लीजिएगा मेरी बात का, मेरी बात का नहीं तुलसीदास जी का जो कह रहे हैं, और ये व्यासपीठ आपको एकदम जो है कह रही है, जिस घर में किसी प्रकार की कोई कमी हो बस इस चौपाई का गान करना आरंभ कर दो, उस घर में कभी भी अन्न की धन की कमी नहीं रहेगी। करके देख लेना, मगर करे कौन? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आज से ही आरंभ कर दीजिएगा, देखिएगा इस चौपाई का परिणाम क्या होता है। आपके घर में सुख संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आप भी उसको संभाल नहीं पाएंगे। बोलिए भरत जी महाराज की। अब जो है शत्रुघ्न चारों
चौथे भाई का पहले नाम लिया गया, फिर तीसरे का बाद में। क्या है नाम? तो कहा जाके सुमिरन तेरे पुनाशा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसको वेदों ने अपनाया है, वेदों ने जिस नाम की महिमा गाई है, ऐसे शत्रुघ्न जी का नाम लेने से महाराज व्यक्ति के सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। ये भगवान ने नाम बताए गुरु जी ने। अब जो है लक्ष्मण जी का नाम क्या कहते हैं कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। बोलिए लखन लाल की जय हो। लखन जी क्या है? जिसका लक्ष्य केवल है परमात्मा की प्राप्ति। आगे कथा आएगी। लखन जी से पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए, कौन प्रिय है? लखन जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल राम चाहिए, राम चाहिए। न माता न पिता, मात पिता जानो नहीं कहो, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे तो केवल राम है, मेरे तो केवल राम है। और महाराज जिसके केवल राम हो जाते हैं ना, फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लखन जी की भक्ति इतनी दृढ़ है कि केवल राम को ही अपना आधार मानते हैं। और ये राम नाम क्या है? ये सारे जगत का आधार है। ये सारा जगत केवल राम और राम अक्षर में ही टिका हुआ है। जिस दिन इस भारत से राम का नाम हट गया, उस दिन से भारत की भारतीयता समाप्त हो जाएगी। इस तरह से चारों बच्चों का नामकरण हुआ। अब आइए चारों बालक धीरे धीरे जो है बढ़ रहे हैं। और इधर हृदय अनुग्रह चार्य शील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। जो स्वामी जी कहते हैं चारों ही एक से बढ़कर एक हैं, चारों में शील है, चारों में गुण है, चारों में रूप है, चारों में ज्ञान है, चारों में सुंदर वैराग्य है, चारों में अति मंद हास है, मुस्कान है, वह चपलता है, सुंदरता है, मगर राम में कुछ ज्यादा। तदपि अधिक सुख सागर रामा, किंतु हमारे जो राम जी है ना, इनमें थोड़ा गुण अधिक है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाश सूचत किरण मनोहर हाशा। उनके हृदय में महाराज कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। और चंद्रमा के प्रकाश से क्या होता है? चंद्रमा की शीतलता से हमें आनंद प्राप्त होता है। हा? जब चंद्रमा अपने पूर्ण पूर्णिमा का चांद और कहीं शरद पूर्णिमा हो, उस दिन की रात्रि देखे कितना आनंद आता है। ऐसे ही राम का दर्शन मात्र ही आनंददायक है, आनंददायक है। क्यों? क्योंकि वो व्यापक है, निरंजन है, निर्गुण है, विनोद है। मगर वही आज दशरथ के और कौशल्या के गोद में आकर के खेल रहा है। ये महाराज भगवान की कृपा ही हो सकती है। इस तरह से भगवान का सुंदर स्वरूप है। कैसा है? भगवान के चरणों में वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, जव का चिन्ह है, ये सब चिन्ह है। और भगवान के भृगु लता है। यहाँ पर ब्राह्मण के चरण है भगवान के, और बाएं तरफ श्री वत्स का चिन्ह है। जैसे हिंदी में सात लिखा जाता है ना, ऐसे ही भगवान के यहाँ पर एक श्री वत्स का चिन्ह होता है। वो क्या है? वो कहा लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी सदा भगवान के हृदय में। हमारे सेठ जी पॉकेट किधर रखते हैं बताइए? बाएं तरफ रखते हैं। लक्ष्मी जी बाएं तरफ ही रहती हैं। मगर आजकल लोगों ने लक्ष्मी जी को महाराज ऐसी जगह रखा, एक बटुआ लेते हैं और न जाने कहां कहां बटुआ को रखते हैं। देखिए लक्ष्मी कहां रखने की चीज है? हृदय में रखने की चीज है, मगर गंदगी में उसको रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी को जब रखिए तो हृदय में रखिए। क्यों? क्योंकि वह भगवान के हृदय में विराजमान रहती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।
इस तरह से भगवान का सुंदर नित्य जो है श्रृंगार होता है, भगवान को पीत झगुलिया पहनाई जाती है और भगवान के उस मनोहर स्वरूप को देख करके सारी माताएं हर्षित होती हैं। कभी भगवान घुटरन घुटरन चलते हैं, कभी चल करके महाराज भगवान, एक दिन तो माता ने देखा कि अभी अभी मैं इसको पालने में बैठा करके सुलह करके आई हूँ और आंगन में दिखने लगा। कभी भगवान रसोई में दिखने लगते हैं, कभी भगवान कमरे में दिखने लगते हैं। ये क्या, माता कौशल्या ने देखा, अरे मेरी बुद्धि चकरा रही है क्या, अभी अभी मैंने इसको सुलह करके आई और ये तो मुझे यहाँ दिख रहा है। भगवान ने उनको अपनी माया दिखाई और रोम रोम में महाराज भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। बोलिए विश्वंभर भगवान की, प्रकृति विलास नचावई ताही अस प्रभु छाड़ी, भजिए कहु काही। हम लोग भ्रकुटी विलास के लिए क्या क्या नहीं देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, इधर उधर के चित्र देखते हैं, मगर इन भ्रकुटियों का जो आनंद है वो केवल मेरे ठाकुर जी का दर्शन है, राघव जी के चरणों का दर्शन है। महाराज इनको विलासिता में मत घुमाइए, इन कानों को इधर उधर की कथा मत सुनाइए। महाराज सुनाना है तो भगवान की कथा सुनाइए, नेत्रों से राघव जी के चरणों का दर्शन करिए, जिह्वा से राघव जी के नाम का उच्चारण करिए, इधर उधर की बातों पर व्यर्थ मत गवाइए। प्रेम मगन कौशल्या निश दिन जात न जान, शुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। महाराज कैसे दिन व्यतीत हो रहे हैं, माता कौशल्या कैके सुमित्रा दशरथ किसी को भी पता ही नहीं चल रहा है, इतने आनंदित हैं, इतने मग्न हैं कि बस अपने लालाओं के पीछे ही घूमते रहते हैं। कभी लाला को गोद में लेते हैं, कभी किलकारियां मार के हंसते हैं राम जी, तो सब लोग हंसने लगते हैं। आज मैया ने एक दिन श्रृंगार किया भगवान का, और एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पढ़ाए, करी पूजा ने वेद चढ़ावा आप गई जहां पाक बनावा। मैया रोज नित्य श्रृंगार करती है, भगवान को ढिठोना लगाती है, भगवान को पीताम्बर पहनाती है, भगवान की चोटी बांध देती है। भगवान कहे मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। भगवान कभी धूल धूसरित हो जाते हैं, कभी जो है बाहर आकर के खेलने लगते हैं, इस तरह से अनेकानेक लीलाएं करके भगवान सबके मन को मोह लेते हैं। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभी तिजोरे कर ठाढ़ी। भगवान की नित्य नए नए उन कृत्यों को देख करके, उनकी शरारतों को देख करके सब माताएं बड़ी आनंदित होती हैं, सब अपने आप को बहुत ही आनंद से भर देते हैं। अब आइए एक बार इधर, भगवान बड़े हो रहे हैं, अब भगवान का चूड़ा कर्म संस्कार कराया गया, मुंडन संस्कार हुआ। ये संस्कार हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अस्तुति करी हरि जाई न माना, जगत पितामय सुत करी जाना। भगवान का सुंदर मुंडन संस्कार हुआ। अब एक दिन जो है राजा दशरथ जी भोजन कर रहे थे, और भोजन करते करते आज दशरथ जी ने राम जी को बुलाया, मगर राम जी नहीं आए। कितना सुंदर दृश्य है, ये दृश्य देखिए आप। भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा नहीं आवत, तजी बाल समाजा नहीं आवत, तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन आए,
बेटा राम इधर आना। भगवान नहीं आते, भगवान खेलने में मग्न है। बुलाने दो, कौन बुला रहा है? सुना और शब्द क्या आया है? भोजन करत बोल जब राजा। दशरथ जी बाप बन के बुला रहे हैं, भगवान कहते बाप बने बैठे रहो, मैं नहीं आऊंगा। क्या है राजा? अभिमान है, अभिमान जिसके मन में रहता है, भगवान नहीं आते। भगवान को बुलाना है तो निरभिमान हो जाइए। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बल दाम। सूर किशोर व्यास शबहों को, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम। आप धन के धनवान बने बैठे बैठे रहिए, तपस्वी बने बैठे रहिए, अप बल तप बल और आप बहुत बलशाली हैं होंगे अपने लिए, बैठे रहिए, भगवान नहीं आने वाले। कब आएंगे? जब निर्बल होकर के आप आर्त भाव से भगवान को बुलाएंगे, तब भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। आज एक राजा आदेश दे रहा है, किसको? परमात्मा को, आ जाओ और भोजन कर लो। भगवान ने कहा इतना सरल समझ लिया है क्या? खबरदार, मैं आने वाला नहीं, भगवान नहीं आए। पिता की आज्ञा, देखिए यहाँ पर पिता का भाव नहीं दिया इसीलिए कि दशरथ बुला रहे, ना ना। भोजन करत बोल जब राजा, राजा यहाँ पर बुला रहे हैं और राजा एक पद का नाम है, प्रतिष्ठा का नाम है। अगर पिता बनकर के बुलाते तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते, मगर एक राजा का आदेश, जैसे राजा आदेश देता है सैनिक किए कार्य करो, भगवान किसी को आदेश मानते हैं क्या? सबको देने वाले हैं। मगर यही जब कौशल्या ने कहा हे लाला ओ लाला आओ ना भोजन पालो, तब महाराज ठुमक ठुमक करके भगवान, कौशल्या जब बोलन जाई और ठुमक ठुमक प्रभु चलही पराई। आहा, माता कौशल्या ने भगवान को कहा लाला चलो तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, आप भोजन कर लो। और भगवान तुरंत जो है चले आते हैं। निगम ने ति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हठी धावा। महाराज जिसको निगम ने ति वेद जो है बुला बुला करके थक जाते हैं, मगर भगवान नहीं आते। स्तुति कर करके थक जाते हैं, भगवान नहीं आते। मगर एक स्त्री साधारण कौशल्या आज हट से भी भगवान को कह रही चलो, तो भगवान चले देते हैं। ये क्या है? ये प्रेम है। प्रेम नहीं करेंगे तो परमात्मा नहीं पिघलेगा, और जब प्रेम प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। मन मेरे प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। गीत मेरे बन गए भजन, गीत मेरे बन गए भजन और मन मेरा महंत हो गया, मन मेरा महंत हो गया। बोलिए प्रेम जब अनंत हो गया, बोलिए प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ओ प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, बन गए भजन। आप से भगवान को नहीं पा सकते, आप अपनी कलम से बहुत अच्छे अच्छे गीत लिख दीजिए ना। गीत मेरे हो गए भजन। देखिए एक बात बताएं आपको, आप झांसी के बहुत अच्छे श्रोता हैं, हम कोई गायक नहीं, हम एक कथावाचक है। मगर एक बात ध्यान दीजिएगा, हम जितना प्रेम से, अभिमान नहीं है, हम अपने ठाकुर को जैसे बुलाते, हमारे ठाकुर तो रोज हमारे पास आते, सत्य बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने से अलग उनको मानते ही नहीं। गीत हमेशा गले से गाया जाता है, गीत गले से गाया जाता है।
हाँ, आजकल बड़े बड़े गायक हैं, अपने गले की कलाकारी दिखाते हैं और लाखों करोड़ों लेकर के रात भर में चले जाते हैं, मगर वो धन लेकर के जाते हैं, दे करके क्या जाते हैं, विषय। हाँ, लता मंगेशकर ने 50,000 गाने गाए, मगर कोई गाना ऐसा गाया जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो? सब केवल मनोरंजन के गाने, अनोर जलोटा ने गाए हैं भजन, मगर उन भजनों को सब गाते हैं। जितने बड़े बड़े गायक जो केवल मनोरंजन के लिए गाते हैं, वो गले से गाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, गीत हमेशा गले से गाया जाता है और भजन हमेशा प्राणों से गाया जाता है, प्राणों से। गीत मेरे बन गए भजन, गीत मेरे बन गए भजन, मन मेरा मुक्त हो गया, गीत मेरे बन गए भजन, मन मेरा महंत हो गया, मन मेरा महंत हो गया, मन मेरा महंत हो गया। महाराज, इस दृश्य को देख करके हमारे हम हिंदुओं की नजर पड़ी हो चाहे ना पड़ी हो, इस दृश्य को भगवान धूल से धूसरित हैं, धूसर धूरी भरे तन आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। इस दृश्य को हम लोगों ने देखा हो चाहे ना देखा हो, मगर काबुल में बैठे एक मुसलमान ने इस दृश्य को देखा, रश खान ने, और उसने इस दृश्य को देखा कि भारत में इतना सरल है परमात्मा। अरे हम तो दिन भर बुला बुला करके थक गए, और वो भारत में जो इतना जो कठिन है, दुष्कर है, वो परमात्मा आजकल दशरथ जी के गोद में खेल रहा है, धूल से धूसरित है। महाराज रशखान ने आकर के और वृंदावन में आना स्वीकार किया। भगवान के पद हैं, जब कृष्ण जो है धूल धूसरित हो जाते हैं तो लिखते हैं, धूलि भरे अति शोभित श्याम, जो धूरी भरे अति शोभित श्याम, कैसी बनी सिर सुंदर छोटी, कैसी बनी सिर सुंदर, खेलत खत फिरे अंगना, खेलत खत फिरे पग, पैजनिया अरु पीरी का छोटी, पैजनिया अरु पीरी का छोटी, पैजनिया अरु पीरी का छोटी, पीरे पीरी का छोटी, वाछा भी को रस खाने भी लोकत, वाछा भी को रस, अरे बारह काम कलानी भी कोटी, बारह काम कलानी भी कोटी, अरे काके के भाजी को का कहिए, साग के भाग को का कहिए, हरी हाथ से ले गयो मखन रोटी, हाथ से ले गयो मखन रोटी, हरे हाथ से ले गयो मखन रोटी, हाथ से ले गयो मखन। काबुल में बैठे मुसलमान ने वहीं से गाना प्रारंभ किया कि आजकल भारत में जो है सब साकार में परमात्मा घूम रहा है, और उन्होंने काबुल छोड़ दिया और वृंदावन में आकर के ब्रज रज में लौट गए। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, बताओ बताओ, कहाँ मिलेगा श्याम, कहाँ मिलेगा वो छोटे छोटे पैरों वाला और मोटी मोटी आंखें वाला, रसगुल्ले से गाल वाला, कजरारे नैन वाला, हाँ लंबी नाक वाला, घुंघरारे बाल वाला, पीतांबर मोर मुकुट धारण करने वाला, बंसी बजाने वाला, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, कहाँ मिलेगा, अपने मन को लेकर के चलिए, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, तू ढूंढ ढूंढ के थक चुका, 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 अब तो बता दो केवल भारत में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिलेगा। ना योग से, ना तप से, ना ज्ञान से, ना दान से मिलेगा, तो प्रेम से मिलेगा, प्रेम से। मेरी अखियां दर
तो राम बताओ कहाँ मिलेगा राम बताओ कहाँ मिलेगा राम पूछने में ही बीत जाता है। पत्ते पत्ते में उसका पता लिखा हुआ है, झर्रे झर्रे में उसका ही पता है, झर्रे झर्रे में उसकी झांकी दिख रही है, मगर फिर भी हमारा जीवन पता पूछने में ही बीत जाता है। जो भक्त होता है ना, वो हर जगह परमात्मा को देख लेता है। शब्द तो परमात्मा है, श्री राम में सब जग जानी। इस विश्व का कोई भी कण हो, चाहे वो पत्ता हो, चाहे अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, बूंद बूंद में उसका पता लिखा है। बस पूछ लेना, कभी मन में ऐसी जागृति जगा लेना, आपको परमात्मा मिल जाएगा। काबुल में बैठे उस मुसलमान को महाराज ऐसी लगन लगी, छोड़ करके सब कुछ भागा, और आज भी उसकी मजार जो है हमारे वृंदावन में बनी है, और सबका पूजक बन गया हो। धन्य है भक्त, धन्य। और हम लोग पता पूछने में ही अपना जीवन गंवा देते हैं। इतने शास्त्र, इतने वेद, इतने पुराण, महाराज ये राम कथा आपको ज्ञान देने नहीं आई है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान तो आजकल आप लोगों के पास बहुत है, व्हाट्सएप फेसबुक में दिन भर इस समय ज्ञान आ रहा है, तो हम आपको ज्ञान देने नहीं आ रहे हैं। हम आपको उस राम की याद दिलाने आए हैं जिसको आप भूल गए थे। बस थोड़ा आपको रिचार्ज करने आए हैं, थोड़ा रिचार्ज हो जाइए, चार्ज हो जाइए, कुछ दिन चलेंगे। और एक बार यदि फुल चार्ज हो गए ना, तो इसकी बैटरी फिर घटती नहीं है, मोबाइल की तरह नहीं, बस फिर लगे ही रहेंगे लगे। तो हम आपको इतना चार्ज कर जाएंगे 9 दिन में कि आपकी बैटरी फिर उतरेगी नहीं जल्दी। बोले राजा राम चंद्र की, बाल चरित अति सरल सुहाय, शारद शेष शंभु श्रुति गाय। भगवान के बाल चरित इतना मधुर है, इतना सुंदर है कि शेष हो, शंसर नारद हो, कोई भी महाराज वेद हो, गा गा करके थक जाती हैं, मगर भगवान के बाल रूप को नहीं गा पाती हैं। अच्छा आप कथा से जाइएगा, मेरी बात मानिएगा, और जब सोइएगा ना, तो सोते समय देखिएगा आपको कौन याद आ रहा है। यदि आपको कथा याद आए तो समझ लीजिएगा आपकी कथा सुनना सार्थक है, और यदि आपको संसार याद आए तो समझ लीजिएगा आपने कथा फिर।
मैं सत्य बता रहा हूं, आपने दिन भर क्या किया है ये रात्रि में बिस्तर में जाने से पहले सोचिए, कितने अच्छे कार्य किए, कितने बुरे कार्य किए, कितनों का भला किया, कितनों का अपमान किया। क्योंकि आप अपने उस चरित्र के खुद निर्माता हैं। जैसे टीवी में पहले अभी इसमें रिकॉर्ड हो रहा है मगर अभी दिखाई नहीं दे रहा हम लोग को, और जब यही टीवी से जुड़ जाएगा तो हाँ, तो दिन भर जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, और रात्रि में उसको देखिए, रिपीट करिए क्या क्या किया। हम लोग भी देखते हैं, कथा जब करते हैं तो रिकॉर्ड होती है तो उसको सुनते हैं, सुनते हैं कि कहाँ पर कौन सी त्रुटि हुई और कहाँ पर हमको कितना अच्छा करना है। कि देखने अपने आप को देखिए, क्योंकि स्वयं आप अपने निर्माता हैं। तो मैं आपको एक विधि बता दूं, बिस्तर में जाते समय यदि आपको संसार याद आए तो समझ लीजिएगा आपका कथा को सुनना व्यर्थ है, और राम याद आए तो समझ लीजिए आपका कथा सुनना सार्थक है। अरे तालियां तो बजा दिया करो, इतना ताला क्यों लगा के रखा है, इन नेताओं के लिए रखिए क्या? रुक जाइए, कुछ दिन में फिर चुनाव आ जाएंगे तो बजा लीजिएगा। नेताओं के लिए तालियां मत रखिए, तालियों में ताला मत लगाइए, सत्संग में तालियां बजाएंगे तो आपकी ये जो लकीरें हैं ना, खराब लकीरें भी मिट जाएंगी। नेताओं के लिए मत रखिए, बजा लिया करिए कोई अच्छी बात हो। हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये आपका उत्साह बढ़ाएंगी, क्योंकि आपको याद आएगा हमने किस बात पर अपनी सांत्वना व्यक्त की थी। हमारे लिए मत, हमको नहीं चाहिए तालियां। आइए, भगवान के बाल चरित बड़े मधुर हैं। आज भगवान बड़े हुए तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। आज सारा विश्व लगा हुआ है कैसे तिलक चोटी नष्ट की जाए। हमारे विश्व की पांच धरोहर हैं, हमारे भारत की पांच धरोहर हैं, गाय, गंगा, गीता, गोपाल और गौरी। ये पांच हैं महाराज हमारे गकार, इन पांचों गकार को आज नष्ट करने में सारा विश्व लगा हुआ है। आज गाय के लिए कितने लोग रोज काट रहे हैं महाराज, कितना अत्याचार हो रहा है गाय के ऊपर। दांतों तले दृढ़ दबाकर गाय सभी से कह रही, तुम मनुज हम हैं पशु, क्या तुम हम पशुओं से भी गए गुजरे हो, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती है? हाँ, अरे जिसका दूध पी करके इतने बड़े हुए हो, आज उसी की छाती पर छुरा चला रहे हो, तुमको दया नहीं आती है? जिसका दूध पी करके इतने बड़े हुए और आज इतने लायक हो गए कि जिस माँ का दूध पिया उसी की छाती पर वार कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तो आज गाय को मिटाने की कोशिश की जा रही है कि गाय कैसे खत्म हो, गाय और एक गीता और गंगा। आज गंगा को जिस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है महाराज, क्या बताएं? सब सोच रहे हैं पाश्चात्य से बताएं कि किसी तरह से पांच गकार यदि भारत से समाप्त हो जाएंगे तो भारत की भारतीयता नष्ट हो जाएगी। और हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं, हम लोगों को कोई चिंता ही नहीं, केवल अपने बच्चे पाल लो, कमा लो, खा लो, सो जाओ। सावधान, जिस दिन गाय का पतन हो जाएगा उस दिन ये धरातल रसातल पर चली जाएगी, ध्यान दीजिएगा। गाय, गीता, गंगा, गायत्री और गोपाल, इन पांच चीजों को हमें बचा करके रखना पड़ेगा, और इन पांच को बचाने में यदि हमारा सर्वस्व चला जाए तो इसमें भी हमें पीछे नहीं हटना है। ये व्यास गद्दी से मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, भले पुरुष वर्ग यहाँ पर कम है मगर जहां तक मेरी आवाज जा रही है इन पांच के रक्षण करने के लिए अपना जीवन लगा देना, क्योंकि ये जब पांच रहेंगे तभी हमारा धर्म बचेगा, और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे अपने को लह करके। हमारे बड़े बड़े जो है ऋषि मुनियों ने अपने धर्म को लिए महाराज प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह हो, चाहे आजाद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, इन्होंने हमारे धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या इनका बलिदान आप व्यर्थ जाने देंगे?
ना ना व्यर्थ नहीं जाने देंगे महाराज, हम भी उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि जहां सतपुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग पर हम लोगों को भी चलना चाहिए। हमें अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत विवेकानंद को बनाना चाहिए, राम सुखदास जी महाराज को बनाना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस को बनाना चाहिए। कितने नाम गिनाए, क्योंकि जब तक आप इनकी जीवनी नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आप अपने धर्म को नहीं जान पाएंगे। इन कागजी किताबों से कुछ होने वाला नहीं है, इनमें जितना भी पढ़ाया जा रहा है आधा असत्य है और आप सब जानते हैं इसमें कोई झूठ नहीं, वास्तविकता को छिपाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सरकारी नियम लगा देती है वही तो छपेगा, मगर वास्तविकता नहीं पढ़ाई जाती महाराज। देश के लिए कितनों ने कुर्बानी दी तब आज हम यहाँ बैठ करके और आराम से कथा कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं। सावधान, इन पांच के रक्षण में हमें अपने जीवन को बलिदान भी देना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आइए, भगवान अब बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद माता पिता का कर्तव्य है कि बालक को शिक्षा प्रदान करें। तो आइए, भगवान आज गुरु जी के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, हाँ अलप काल विद्या सब आई, 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 जाति सहज स्वास श्रुति चारी, बोलिए जाति सहज स्वास श्रुति चारी, सोहरी पर तलवान धनुष्यत सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन भी दिन बिह रहे सब भाई, अकित होई सब लोग लुगाई, कौशल पूर्वासी नरो सहज श्वास श्रुति चारी, जिनके श्वास से वेद निकल रहे हैं महाराज। देख, याद रखिएगा एक बात, वेदों को किसी ने नहीं बनाया, इसलिए वेदों का एक नाम है अपौरुषेय। वेद किसी ने बनाया नहीं है, व्यास जी ने वेद को बनाया नहीं है, वेद का व्यास विस्तार किया है, मगर ये वेद क्या है, ये भगवान की श्वास है। अब बताइए, जिनकी श्वास ही वेद हो वह हरि पढ़ने जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं कि व्यवहार जगत में आए हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। भगवान को कौन से संस्कार की आवश्यकता, बोलिए, भगवान को किसी संस्कार की आवश्यकता है, उनको क्या है, मगर फिर भी भगवान व्यवहार जगत में आए हैं तो माता पिता भी बनाए हैं, भाई भी बनाए हैं, बंधु भी बनाए हैं, मित्र भी बनाए। क्यों? ये व्यवहार जगत है, यहाँ आने पर आपको व्यवहारिकता निभानी पड़ेगी। आइए, भगवान ने अल्प काल में विद्या पाली, गुरु जी से आशीर्वाद पाया और पुनः भगवान घर पर आए। अब विद्या पाने के बाद व्यक्ति का जीवन बदलना चाहिए। देखिए, समय तो जाएगा ही जाएगा, मगर जो कथाएं हैं उनको सुनना बहुत आवश्यक। विद्या पढ़ने के बाद व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना चाहिए, मगर आज क्या आ रहा है आप सबको मालूम,
आज हम लोग जितने पढ़े लिखे हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारा शिष्टाचार भूलते जा रहे हैं। यही क्या हमारी शिक्षा? क्या ये हमारी निधि है? पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए बताएं? अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही पिता गुरु ना वही माता। व्यक्ति को विद्या पाने के बाद नम्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, पात्रत्वाधमुपवाप्नोति धनात् धर्मस्तथा सुखम्। विद्या विनय प्रदान करती है, मगर आज हम लोग पढ़ करके और उच्छृंखल हो रहे हैं, दूसरों का अपमान कर रहे हैं। अरे महाराज, दूसरों को छोड़ो, अपने माता पिता तक का सत्कार नहीं करते, धिक्कार है ऐसी विद्या पर। आजकल हम लोग पहले शिक्षित हुआ करते थे, महाराज जी पहले लोग शिक्षित हुआ करते थे, अपने माता की, पिता की, बड़ों की, सबकी बात मानते थे, मगर आज शिक्षा नहीं है। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम भी उसी परिवेश में आप भी हैं, और आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, आज शिक्षा नहीं है, आज साक्षरता बढ़ गई है। अक्षर सीख लो बस, पैसा कमाना सीख लो बस, और क्या, ऐसी शिक्षा नहीं। हमें शिक्षा कैसी हो जो बड़ों का सम्मान कराना सिखाए। एक पुत्र को माता ने कहा, बेटा एक गिलास पानी तो देना। अब दो चार बार कहने के बाद उस पुत्र ने एक गिलास पानी दिया, और पानी दिया, माता ने पिया, थोड़ी देर खड़ा रहा। खड़े होने के बाद जब माता ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो उसने क्या कहा, माँ मैं आज से तुमसे बात नहीं करूँगा। क्यों? कहा, तुमने मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला? मैंने तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया। देखो ये पढ़ाई। हाँ, आज लोग प्रणाम करने से डरते हैं, माता पिता को सम्मान। हाय और हले का जमाना आ गया, ये हाय और हलो हमारा कल्याण नहीं करेगी। नोट कर लीजिए, अपने बच्चों को सिखाइएगा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों का सम्मान करने से चार चीजें नित्य बढ़ती हैं। इसको किसी विद्यालय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कौन कौन का? पहली आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, किसी से पाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि बड़ों का आदर ही हमें सिखाती है शिक्षा। और मगर आजकल क्या है? आजकल सब उल्टा है। अरे हरि को भोग लगा कर खाना गीता माँ की शिक्षा है। हाँ, अरे सगला मिलकर झूठन खाना आज काल की शिक्षा है। गीता माता कहती पहले भगवान को भोग लगाओ फिर खाओ, मगर आजकल तो बफर सिस्टम है महाराज, कौन भोग लगाए कौन क्या, ये बफर नहीं बबर सिस्टम चल गया है, सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया महाराज। ये उल्टी रीत है ना, पढ़े लिखे लोग हैं ना हम लोग, तो साक्षर हैं, हमने अक्षर सीख लिए महाराज। और
ज्यादा ना बताते हुए, इसलिए जीवन में यदि आपको उन्नति चाहिए, धन कमा लेना उन्नति नहीं है, पद प्रतिष्ठा पा लेना उन्नति नहीं है, समाज में अपनी एक पहचान बना लेना, अपने को नम्र बना लेना, अपने को सुशील बना लेना, अपने को धैर्यवान बना लेना, यही आपकी पहचान है। भागवत कहती है विशाल हृदयम शौर्यम, स्वभाव विजयम शौर्यम। भागवत कहती है वह बलशाली नहीं है जिसने बहुत खा पी करके अपने शरीर को बना लिया, बहुत धन कमा लिया, बहुत व्यापार बढ़ा लिया, वो धनवान नहीं है। तो कौन है का स्वभाव विजय शौर्यम, सबसे बड़ा विजयी वही है जिसने अपने स्वभाव में विजय प्राप्त कर ली, स्वभाव में विजय प्राप्त कर ली। और ये कब आएगा, जब आप साक्षर नहीं शिक्षित होंगे, गीता को पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, भागवत को पढ़ेंगे, संतों के द्वारा उनकी वाणी को सुनेंगे, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। आजकल तो कोई महाराज सबसे ज्यादा अनाथ खाने यदि कहीं हैं, तो पढ़े लिखे लोगों के माता पिता ही अनाथालय में हैं। हम कलकत्ते में रहते महाराज, एक बार सत्य घटना बताएं आपको, बहुत करुणापति घर के यहाँ की बात है। उनके बच्चे ने क्या किया, अपने माता पिता को महाराज मात्र बची कुछ रोटी देता था। और एक दिन सारे परिवार वाले होटल गए और वहां सिनेमा आदि देखने के लिए गए और माता को एक रोटी भी नहीं दे करके गए। इधर एक व्यक्ति आया और उसने देखा माँ अकेले घर में बैठी थी और एक छोटा सा डिब्बा था उसके ऊपर बैठी थी। और क्यों बैठी थी, उसी घर में एक दिन रेड पड़ गई और जब रेड वाले आते हैं ना तो दीवार भी खोद कर के ले जाते हैं महाराज। उन्होंने बुढ़िया को बहुत हटाया, बुढ़िया ने कहा अरे भैया रहने दे रहने दे, इसको मत खुलवा, इसमें कुछ नहीं है। अब उनको और शंका हो गई कि इसी में माल रखा हुआ है। महाराज वो बुढ़िया को जबरदस्ती हटाया और बुढ़िया को जब हटाया वो पेटी खोली महाराज तो कई दिनों की बासी रोटियां उसमें पड़ी हुई थी। वो जो मेन उसका CBI का ऑफिसर था ना महाराज, इतना रोया इतना रोया इतना रोया। धिक्कार है ऐसे करुणपति के ऊपर महाराज, जो माँ को दो रोटी भी नहीं दे सकता। माँ उन सूखी रोटियों को खा खा करके और अपना जीवन व्यतीत करती थी और बहू बेटा होटलों में जा करके अपना मनोरंजन करते थे। कैसा घर है महाराज, ये घर नहीं ऐसे घर, ऐसे पुत्र ना हो तो ठीक है, नालायक औलाद क्या आपका कल्याण करेगी। एक लायक संतान ही बहुत है महाराज, 60,000 सगर गए थे सब मारे गए, क्या हुआ। आपको एक सत्य घटना सुनाए, लखनऊ की बात है। आपके लखनऊ के एक जज साहब थे और एक और माता जी थी, उसका बेटा था। वो रोज फोन कर करके कहती थी बेटा बेटा मेरा भी ध्यान दिया कर, मेरा भी ध्यान दिया कर, अब मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, मेरा काम नहीं किया होता है, मेरा भी ध्यान दिया कर बेटा। उस बेटे ने जानते हैं क्या कहा, का बोल तेरी कोख में रखने का कितना किराया होता है, रोज तेरा ये नाटक मुझसे सुना नहीं जाता, आज बता कितना पैसा हुआ, और हटा ये अपनी ममता को हटा। बताइए ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। जज साहब ने सुना और उन्होंने फैसला सुनाया, उन्होंने उसी दिन से महाराज अपनी गद्दी को छोड़ा और अनाथ आश्रम बनाया है। हमको याद नहीं आ रहा है लखनऊ में आज भी उनका अनाथ आश्रम है। ऐसी ऐसी संतानें, धिक्कार है महाराज ऐसी संतानों पर। अरे संतान हो तो विवेकानंद जैसी हो, संतान हो तो राम सुखदास जैसी हो, रामकृष्ण परमहंस जैसी हो, तुलसीदास जैसी हो, जो खुद तो तरते हैं परिवार को भी तार देते हैं, परिवार को भी तार देते हैं। पुत्र हो तो प्रहलाद जैसा हो, ध्रुव जैसा हो महाराज, ऐसी संतानें। ये कब होंगी, जब हम शिक्षित होंगे। साक्षर होने से तो हमारी जो दुर्दशा होने वाली है ना, ये आने वाले 10 साल आप लोग खूब देख लीजिएगा। ये जो आप पंडितों की वाणी समझ रहे हैं ना, अभी ज्यादा नहीं 10 साल बाद देखिएगा इस देश में क्या होगा, ज्यादा नहीं 10 साल ये व्यास गद्दी से यदि यही चलता रहा ना तो 10 साल बाद देखिएगा क्या होगा देश का हाल। हम लोगों को कोई, आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग पैसा लेकर के कथा सुना कर, ना ना, अरे पंडितों का काम है देश को जनाना, धर्म के प्रति सबको आग्रत करना, ये हमारा धर्म है। ब्राह्मण को 3 कर्म दिए गए, कौन कौन से, वेद पढ़ना वेद पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना।
बनिया को भी दो कर्म दिए गए हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्य, बनिया को तीन कर्म करने चाहिए। कौन से? एक तो खेती करना चाहिए, एक गो की रक्षा करनी चाहिए और एक खूब व्यापार करना चाहिए। क्षत्रिय को भी काम दिया गया है, वो भारत की सीमा पे जा करके और अपने आप को जो है बलिदान करे। महाराज जो फल ब्राह्मण को घंटी बजाने से मिलता है ना मंदिर में, वही जो है क्षत्रिय को उस सेना में बॉर्डर में जा करके मिलता है। और उससे ज्यादा फल वही यदि बनिया ईमानदारी से अपना धर्म कर्म करे वही फल मिलता है। और वही शूद्र को महाराज यदि वो अपने नियम धर्म से अपने कर्म को करे तो जो ब्राह्मण को मिलता है वही फल उसको मिलेगा। हमारे यहाँ फल चोर नहीं किया गया है, सबको बराबर फल दिया गया है। मगर आजकल लोगों ने जातिवाद के नाम पर ऐसा लड़ाया महाराज, और यही हमारे लिए नासूर बन के आएगा। हम लोग आपस में ही लड़ने लगे, बहुत गलत बात। इसीलिए हमारे यहाँ कथा भागवत रामायण की आवश्यकता है महाराज, बहुत आवश्यकता है। इसलिए घर घर में जन जन में भागवत की कथा और राम कथा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राम कथा हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है। राम से सीखे, राम परमात्मा है, मगर रोज पिता को प्रणाम करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। आज ये इतना व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार क्यों पढ़ा? क्योंकि हम लोग रामायण रखते तो हैं मगर रामायण पढ़ते नहीं हैं। सारी पुस्तकों ने महाराज आत्महत्या कर दी, और आत्महत्या क्योंकि अपने उस सुसाइड नोट में नाम किसका लिखा? इस मोबाइल का नाम लिखा कि इसके चलते हम आत्महत्या कर रही हैं। सारी की सारी पुस्तकें अलमारी में पड़े पड़े और धूल खा रही हैं। धूल मत खिलाइए, कभी कभी पढ़ लिया करिए। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, एक चौपाई, दो चौपाई, चार चौपाई, एक दोहा नित्य पढ़िए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस व्यास गति से आपके घर में कभी वैमनस्यता नहीं फैलेगी, कभी पत्नी पत्नी में भेद नहीं होगा, कभी पुत्र और पिता में कोई लड़ाई नहीं होगी, माता और पुत्री में कभी। रामायण आज से प्रारंभ कर दीजिएगा, ये गारंटी देता हूँ, कभी भी आपके घर में कोई झगड़ा नहीं होगा। अरे जन जन का कल्याण करेगी राम कथा, जन जन का कल्याण करेगी राम कथा, सबके दुख को आज हरेगी राम कथा, सबके दुख को आज हरेगी राम कथा। अरे मेरा भी कल्याण करेगी, मेरा भी कल्याण करेगी, आ तेरा भी कल्याण करेगी, तेरा भी कल्याण करेगी, जन मन में रस धार भरेगी राम कथा, जन मन में रस धार भरेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। कथा क्या है? कथा जीत है हार नहीं है, 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 मिलता तुरंत उधार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कोई बनिए की दुकान ने जहाँ लिखा है कि उधार देना मना है, नगद नारायण। मिलता तुरंत उधार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है, सगल नगद सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा, सफल
काल नगद व्यापार करेगी राम आ जीवन में रस धार भरेगी राम कथा जीवन में रस धार भरेगी राम कथा राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन संग जानकी अंजनी नंदन राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा 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 राम कथा जो श्रवण कराते 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 परम प्रेम से सुनने आते 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 राम कथा जो कहता है और जो सुनता है क्या होता है साधक कहता है सबको भव से पार करेगी राम कथा 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 जीवन का उद्धार करेगी राम कथा जीवन का उद्धार करेगी राम कथा हर जन मन का कल्याण करेगी राम कथा जन मन का कल्याण करेगी राम कथा जन मन में रस धार भरेगी राम कथा जन मन में रस धार भरेगी शव का कल्याण करेगी तो राम कथा भगवान ने कितनी करुणा की है तुलसीदास जी को भेजा और तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर सरल भाषा में रामचरितमानस को रच दिया है। इस कथा का जो सार है बस यही है कि परमात्मा की प्राप्ति और